हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 1 रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक का टोटल 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से हम न्यू टॉपिक इंडाइसेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में टोटल 3 टॉपिक है। फर्स्ट है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सेकेंड टॉपिक है इंडाइसेस एंड थर्ड टॉपिक है लॉगरिदम। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंडाइसेस का फुल बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर भी कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक इंडाइसेस से। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं इंडाइसेस का। तो फर्स्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लॉज ऑफ इंडाइसेस, यानी कि रूल्स क्या होता है इंडाइसेस सॉल्व करने का। इंडाइसेस आपको पता है, इंडाइसेस का मतलब होता है पावर, या उसे हम बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर लिखा है 2 raised to 3, तो 2 raised to 3 में क्या होगा, 3 आपका इंडेक्स हो जाएगा और 2 बेस हो जाएगा। जैसे हमने लिखा है a raised to m, तो a raised to m में a आपका बेस होगा और m इंडेक्स होता है, या उसे बोलते हैं इंडाइसेस या पावर बोलते हैं हम लोग उसे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो डिफरेंट लॉज है, तो जो भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा आज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा तो कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया रहेगा आप उसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो फर्स्ट देखो लॉ है a raised to m into देखो दिया है a raised to n इज इक्वल टू लिखा है a raised to m plus n। अगर आप इसे ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो a है और देखो यहाँ पर भी a है, यानी कि दोनों भी टर्म्स का बेस सेम है, दोनों भी नंबर का बेस सेम है। तो जब आपका बेस सेम होता है पावर सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। तो m एंड n पावर है वो, उसे हम बोलते हैं इंडेक्स। तो a raised to m में a बेस हो गया, m आपका पावर हो गया, या उसे इंडेक्स बोलो, मल्टीप्लाइड बाय। यहाँ पर भी देखो a raised to n में a आपका बेस हो गया, n पावर हो गया, या आप उसे इंडेक्स बोल सकते हो। तो a raised to m इंटू a raised to n इज इक्वल टू होता है a raised to m plus n, यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन होगा और बेस आपका सेम रहेगा तो कॉमन बेस लेना है, और जो इंडेक्स है यानी कि जो पावर है उसका एडिशन करके आपको पावर में लिख देना है। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया, ध्यान में रखो। नाउ देखो सेकंड लॉ अभी डिवीजन का है। तो सेकंड लॉ है a raised to m upon a raised to n, यानी कि यहाँ पर देखो बेस a है पावर में m कोई नंबर है, यहाँ पर भी बेस आपका सेम है a है पावर में कोई नंबर n है, इज इक्वल टू क्या होता है a कॉमन बेस यहाँ पे लेना है, और ये जो न्यूमरेटर का पावर है वो एज इट इज़ रहेगा, बट डिनोमिनेटर में a के पावर में जो भी नंबर है वो न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन उसका चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो पावर में प्लस एन है, तो जब वो न्यूमरेटर के पावर में जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड लॉ हो गया डिवीजन का। जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि बेस सेम होना चाहिए। देखो मल्टीप्लिकेशन में भी बेस सेम था तो हमने कॉमन बेस लिया और ये एडिशन हो गया पावर का। डिवीजन में भी बेस सेम रहना चाहिए, पावर सेम रहे या डिफरेंट उससे मतलब नहीं है, बेस सेम रहेगा तो कॉमन बेस हो जाएगा। न्यूमरेटर का पावर पहले आप लिखोगे और डिनोमिनेटर का जो पावर है वो जब न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस एन है तो यहाँ पे माइनस एन हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस एन है तो यहाँ पे प्लस एन हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ हो गया मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड लॉ हो गया आपका डिवीजन का इंडाइसिस का। थर्ड लॉ देखो क्या दिया है, थर्ड लॉ है a raised to m whole raised to n। तो यहाँ पर a बेस हो गया और ये जो m क्या है पावर हो गया या इंडेक्स हो गया, तो यहाँ पे देखो पावर का पावर दिया है। तो जब भी पावर का पावर रहेगा तो पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड हो जाता है। बेस तो आपका देखो एज इट इज़ रहेगा a, बट ये जो दोनों पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो a raised to m whole raised to n इक्वल टू होता है a raised to m into n हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ हो गया। नाउ फोर्थ लॉ देखो, फोर्थ लॉ है a into b whole raised to n, यानी कि ब्रैकेट में यहाँ पे दो नंबर है, या वहाँ पे दो से ज़्यादा नंबर भी हो सकता है, 3, 4 कितना भी नंबर हो सकता है, और दोनों भी नंबर को कंबाइंड पावर है, बीच में इंटू है। तो जब कंबाइंड पावर रहेगा तो ईच नंबर को इंडिविजुअल पावर आ जाएगा, आपको ध्यान में रखना है।
देखो a रेस टू n लिखा, बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा, वो b रेस टू n हो जाएगा, यानी कि कंबाइंड पावर रहेगा। तो हर एक नंबर को आपको इंडिविजुअल पावर अप्लाई कर देना है, और बीच में इनटू है तो वो इनटू एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ लॉ ऑफ इंडाइसिस। फिफ्थ लॉ है देखो यहाँ पे, a अपॉन b पूरे का पावर n है, सेम रूल है। तो यहाँ पे a न्यूमरेटर में है, b डिनोमिनेटर में है, दोनों को कंबाइंड पावर लिखा हुआ है n, तो हम इसे इंडिविजुअल पावर लिख सकते हैं, यानी कि a रेस टू n अपॉन क्या हो गया, b रेस टू n। तो न्यूमरेटर को भी सेपरेट पावर एंड डिनोमिनेटर को हम सेपरेट पावर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ लॉ। अब देखते हैं सिक्स्थ लॉ क्या दिया है। a रेस टू ज़ीरो इक्वल टू वन, इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई भी नंबर रहेगा या कोई भी वेरिएबल रहेगा, अगर उसका पावर ज़ीरो है तो आंसर हमेशा वन आएगा। जैसे कि टू रेस टू ज़ीरो का वैल्यू ऑलवेज़ वन आएगा, x रेस टू ज़ीरो का वैल्यू ऑलवेज़ वन आएगा, m रेस टू ज़ीरो का वैल्यू ऑलवेज़ वन आएगा। तो कोई भी नंबर रहेगा उसका पावर अगर ज़ीरो है तो आंसर हमेशा वन आता है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ लॉ। नाउ देखो सेवन्थ लॉ दिया है। सेवन्थ लॉ है a रेस टू वन, a रेस टू वन का आंसर a आता है, यानी कि कोई भी नंबर रहेगा तो किसी भी नंबर का पावर अगर वन है तो वो सेम नंबर रहता है। जैसे कि हमने कहा कि टू का पावर वन, तो टू का पावर टू आएगा, थ्री का पावर वन तो थ्री आएगा, फाइव का पावर वन फाइव आएगा, टेन का पावर वन टेन आएगा। तो अगर किसी भी नंबर का पावर वन होता है तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल देखो मैंने यहाँ पे सेवन लॉ दिया है इंडाइसिस का। विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी कैन ईजिली सॉल्व द सम्स, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ इंडाइसिस तो आपको समझ में आ गया, बट लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज़ करने के साथ साथ हमें कुछ बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले भी यूज़ करना पड़ता है। हम उसे अलजेब्रिक फॉर्मूले बोलें या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मीनिंग सेम है। तो अब सम सॉल्व करने के लिए सर्टन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो भी हम देख लेते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पर लिखा है सम बेसिक रिजल्ट्स, या इसे हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है पहले से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी। अब देखो सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है a माइनस बी द होल स्क्वायर। सेम वे फॉर्मूला रहेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बट माइनस आ जाएगा टू इंटू ए बी। तो सिंपल है, अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो आप लिखोगे प्लस टू ए बी, अगर यहाँ पर माइनस है तो आप लिखोगे माइनस टू ए बी। तो ये दोनों भी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है सम सॉल्व करने में। नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखा है मैंने थर्ड आइडेंटिटी। तो यहाँ पर है ए प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू होता है देखो ए क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस बी क्यू, आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। ए प्लस बी द होल क्यूब, ए आपका फर्स्ट टर्म है, बी आपका सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब लिख दिया प्लस थ्री टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और फिर यहाँ पे प्लस देखो क्या लिखा है, सेकेंड टर्म का क्यूब लिखा है। ये जो फॉर्मूला है इसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे करोगे आप देखो, ए क्यू प्लस, अगर आप ये ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और ये प्लस बी क्यू एज इट इज़ रहेगा। तो ब्रैकेट ओपन करके आप एक दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हो, जो कि होगा ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो ये हो गया देखो आपका थर्ड आइडेंटिटी। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पे फोर्थ आइडेंटिटी आपको दिया है, ए माइनस बी द होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या था, दो टर्म्स के बीच में एडिशन था, उसके बाद होल क्यूब था, और यहाँ पर क्या है, दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन है देन होल क्यूब है। तो देखो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, जस्ट साइन चेंज होगा, ए क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो जब प्लस रहेगा तो आपको ध्यान में रखना है सब प्लस में आएगा, और अगर माइनस रहेगा तो देखो यहाँ पे सब माइनस में आने वाला है, ठीक है।
अब ये सेम फॉर्मूले को अगर आप मॉडिफाई करोगे तो एक न्यू फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा फॉर्मूला? ए क्यू माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस थ्री ए बी स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब आएगा। दैट मीन्स ए माइनस बी द होल क्यूब का मॉडिफाइड फॉर्मूला आएगा ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर देन माइनस बी क्यू, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऑल्टरनेट साइन। तो ये हो गया देखो हमारा फोर्थ फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो फिफ्थ आइडेंटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, तो हम उसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट टू टर्म एंड एडिशन ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ध्यान में रखो, ए माइनस बी वन ब्रैकेट इंटू ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट। सो वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सिक्स्थ आइडेंटिटी हमें दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू। अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया था, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया था, अब ये है ए क्यू प्लस बी क्यू है। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, ए प्लस बी लिखना है आपको ब्रैकेट में इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो और एक फॉर्मूला बन जाएगा, आप ट्राई करके चेक कर सकते हो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू ध्यान में रखो, ए प्लस बी वन ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी सेवेंथ फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू था, यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू है, सो दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस था तो पहले प्लस हो गया बाद में माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस आएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ईजी है रिमेंबर करना, थोड़ा सा ध्यान में रखो, प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू तो पहले प्लस है तो देखो ये प्लस में आएगा बाद में माइनस आएगा मिडिल टर्म यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट का, और अगर यहाँ पर माइनस है ए क्यू माइनस बी क्यू है तो पहले माइनस आएगा उसके बाद में पूरे टर्म्स आपके प्लस आएंगे ब्रैकेट के। तो ईजी रिमेंबर करना, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखो एट्थ आइडेंटिटी आपको दिया है, या एट्थ फॉर्मूला हम उसे बोल सकते हैं, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर जीरो है, यानी कि सम ऑफ द थ्री टर्म्स का वैल्यू अगर जीरो दिया है, देन हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू लिख सकते हैं थ्री ए बी सी, ध्यान में रखो आप। ठीक है, सो इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू होता है थ्री ए बी सी। तो ये हो गया आपका एट्थ फॉर्मूला। देन देखो अब नाइन्थ फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखो ए प्लस बी द होल स्क्वायर रहेगा, दो टर्म का स्क्वायर रहेगा तो कैसे करते हैं मालूम है आपको, बट अगर थ्री टर्म्स का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। इसे रिमेंबर करना बहुत ईजी है। देखो ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दिया प्लस, सेकेंड टर्म का स्क्वायर किया प्लस, थर्ड टर्म का स्क्वायर किया, उसके बाद टू टाइम्स दो दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन लेना है, टू टाइम्स ए बी प्लस टू टाइम्स बी सी प्लस टू टाइम्स ए सी। तो ये नाइन्थ फॉर्मूला हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टोटल देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है इस चैप्टर में इंडाइसेस का, मैंने टोटल देखो यहाँ पे सेवन लॉज ऑफ इंडाइसेस लिखा है, और उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे नाइन सम बेसिक रिजल्ट या उसे हम फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो ये जितना भी मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, तो ईजिली आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अब ये जो मैंने इंडाइसेस का जो आपको फॉर्मूला दिया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया है, इसके बेस पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इंडाइसेस का जो क्वेश्चन है जो दिया रहेगा तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ सी देखो एग्जांपल वन हमने लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या दिया, देखो एक्स रेज टू ए अपॉन एक्स रेज टू बी होल रेज टू ए प्लस बी है, इंटू देखो दिया है एक्स रेज टू बी अपॉन एक्स रेज टू सी होल रेज टू बी प्लस सी है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू सी अपॉन एक्स रेज टू ए
होल रेस टू सी प्लस ए है। तो हम यहाँ पे रूल ऑफ इंडाइसेस यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बहुत इजी है, एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू बी। तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। देखो एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू बी में जो बेस है वो सेम है एक्स, तो जब बेस सेम रहता है तो क्या करते हैं मालूम है आपको, डिवीजन में कॉमन बेस लेंगे। और देखो यहाँ पे जो न्यूमरेटर का पावर है वो एज इट इज़ रहेगा, और ये जो डिनोमिनेटर का जो पावर है वो जब न्यूमरेटर में जाएगा साइन चेंज हो जाता है, तो a माइनस बी देखो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी, और ये होल रेस टू a प्लस बी आपको वैसे ही रखना है मल्टीप्लाइड बाय, समझा रहेगा आपको। सेम वे देखो यहाँ पे जो सेकंड टर्म आपको दिया है x रेस टू, तो x रेस टू b अपॉन x रेस टू c है, तो बेस कॉमन है तो x कॉमन ले लिया हमने बेस, और ये पावर जो न्यूमरेटर में वो एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस c पावर है जाएगा न्यूमरेटर में तो देखो माइनस c हो जाएगा, और ये जो होल पावर लिखा है ना b प्लस c वो तो एज इट इज़ रहने वाला है। सेम वे देखो थर्ड टर्म x रेस टू c अपॉन x रेस टू a, तो ये x एज इट इज़ रहेगा, पावर में c है और पावर में सी है, और देखो अपॉन में जो पावर है वहाँ पर ए दिया हुआ है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, और ये होल रेस टू आपको सी प्लस ए तो दिया ही है। तो यहाँ पर आपको समझा रहेगा हमने यहाँ पे लॉ ऑफ डिवीजन अप्लाई किया है इंडाइसेस रूल का। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा। देखो अब ये देखो ब्रैकेट में पावर है एक्स का और बाहर भी पावर है, तो आपको पता है ए रेस टू एम होल रेस टू एन, तो पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा आपका एक्स रेस टू ए माइनस बी इंटू हो जाएगा ये देखो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा आपका एक्स रेस टू बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय देखो बी प्लस सी, देन अगेन यहाँ पे इंटू एक्स रेस टू सी माइनस ए होल रेस टू सी प्लस ए हो जाएगा। अब देखो जो एक्स का पावर है यहाँ पर हम रूल ऑफ अब x के पावर में जो आपको दिया है टर्म्स हम वहाँ पर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि हम वहाँ पे रूल ऑफ इंडाइसेस हम वहाँ पे रूल ऑफ आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। सी जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था अभी जस्ट देखो x रेस टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आइडेंटिटी है हम इसे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है ये जस्ट मैंने आपको दिया है अभी। देन सेम वे देखो यहाँ पे x रेस टू b माइनस सी इंटू बी प्लस सी है, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देखो x रेस टू c माइनस ए इंटू सी प्लस ए दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x रेस टू c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे वन टू थ्री थ्री टर्म मल्टीप्लीकेशन में है और सबका बेस देखो सेम है x x x, तो रूल यूज़ करो इंडाइसेस का, कॉमन बेस ले लेंगे हम x और पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा x रेस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस पावर ऐड होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस पावर ऐड होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जस्ट हमने यहाँ पे रूल ऑफ इंडाइसेस यूज़ किया है। अब देखते हैं कुछ कैंसिलेशन होता है क्या पावर में, तो ए स्क्वायर प्लस है माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें अल्टीमेटली यहाँ पर क्या मिल रहा है देखो एक्स रेस टू नथिंग बच रहा है मतलब ज़ीरो बच रहा है, और मैंने आपको जस्ट बताया है एनी थिंग रेस टू ज़ीरो इज़ ऑलवेज वन, तो x रेज टू ज़ीरो आंसर क्या आएगा आपका वन आएगा। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप रूल्स ध्यान में रखो प्रैक्टिस करते रहो सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। सो हमने देखो एग्जांपल नंबर वन सॉल्व किया, देखो सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट थ्री होल रेज टू टू बाई थ्री लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई करना इसे बहुत ईजी है। दिस इज इक्वल टू देखो रूट थ्री आपको दिया है, तो रूट थ्री को हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट थ्री को आप थ्री रेस टू हाफ लिख सकते हो, रूल तो आपको पता ही है अगर रूट एक्स रहेगा तो रूट एक्स को हम एक्स रेस टू हाफ लिखते हैं, अगर सपोज क्यूब रूट ऑफ एक्स रहेगा तो हम इसे एक्स रेस टू वन बाई थ्री लिखते हैं, अगर सपोज यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ एक्स है तो एक्स रेस टू हम वन बाई फाइव लिखते हैं, ये सब रूल्स तो आपको पहले से ही पता है। और आप ये भी ध्यान में रखो जैसे कि मैंने वन अपॉन एक्स लिखा तो हम इसको x रेस टू माइनस वन लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 अपॉन फाइव लिखा है आप इसको फाइव का पावर माइनस वन लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन टू एक्स आप इसे लिख सकते हो 2x का पावर माइनस वन, ये सब इन्वर्स का रूल आपको पहले से सब पता है। सो यहाँ पर क्या किया मैंने देखो रूट थ्री है तो रूट थ्री को हम थ्री रेस टू हाफ लिख देंगे,
और जो होल रेज टू 2/3 आपका वैसे ही रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे पावर है और पूरे का होल पावर 2/3 है, तो रूल आपको पता है इंडाइसिस का, पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 3 एज इट इज रहेगा बेस में और देखो पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये देखो 2 हमने कैंसिल कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, 3 का पावर 1/3 मिलेगा। 3 का पावर 1/3 को हम क्यूब रूट ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3 लिख सकते हो आप। 3 का पावर हाफ रहेगा तो वो स्क्वायर रूट होता है, 3 का पावर 1/3 रहेगा तो क्यूब रूट आता है, 3 का पावर यहाँ पे सपोज 1/4 रहेगा तो फोर्थ रूट हो जाएगा, यहाँ पे पावर अगर 1/5 रहेगा तो वो फिफ्थ रूट हो जाएगा, यहाँ पे पावर अगर 1/n रहेगा तो वो nth रूट हो गया। तो ये सब बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये सब आपको ध्यान में रखना है सम सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 raised to 1/3 लिखो या तो फिर क्यूब रूट ऑफ 3 लिख दो, दोनों भी करेक्ट है। तो ये देखो सेकेंड एग्जाम्पल भी हमने कर दिया। ये देखो थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 243/3/2। क्वेश्चन देखो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 243/32 होल रेस टू -2/5 आपको दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इसे सॉल्व करना, 243/32 दिया है, पूरे का पावर कितना है -2/5 है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे दो मेथड है सॉल्व करने का, हम इसे क्या कर सकते हैं, ये 243 ना उसे देखो इसे सॉल्व करने के लिए ये 243/32 है, तो 243 को हम प्राइम फैक्टर बना सकते हैं और 32 को भी हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसा फैक्टर आना चाहिए इसका। तो 243 को अगर आप फैक्टर बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 × 3 × 3 × 3 देखो 5 टाइम्स आएगा। देखो ये कैसे है मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा 243 लिखा, ठीक है, फैक्टर मुझे बनाना है, 3 से जाएगा ये 3 8 3 1 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 2 और ये देखो आपका 3 7 हो जाएगा, अगेन 3 से जाएगा 3 9, अगेन 3 से 3 3 और ये देखो 3 1 हो जाएगा। यानी 243 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स आएगा, वही मैंने लिखा है 243 को 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स लिखा हुआ है। डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे 32 है, 32 का भी हम प्राइम फैक्टर बना सकते हैं। देखो 32 का प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे, 2 और यहाँ पे 16 आएगा, देन 2 8 वाले में आपको 2 4 और देखो यहाँ पे 2 2 आएगा, तो क्या प्राइम फैक्टर बनेगा, 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स बनेगा। तो मैं यहाँ पर देखो लिख दिया 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स हो गया, और ये पूरे का पावर क्या दिया है आपको, -2/5 दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू 3 raised to 3 × 3 × 3 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो हम 3 raised to 5 लिख सकते हैं, और ये 2 × 2 5 टाइम्स है, ये देखो आपका 2 raised to 5 हो जाएगा, और होल रेज टू क्या है, -2/5 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा आपका 3/2 होल रेज टू 5, और ये देखो पूरे का होल रेज टू क्या है, -2/5 है, समझा रहेगा। 3 का पावर भी 5 है और 2 का पावर भी 5 है, तो मैंने क्या किया, 3/2 कंबाइन करके होल पावर 5 लिख दिया, और ये जो पावर में -2/5 है वो तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3/2 raised to पावर एंड पावर मल्टीप्लाई हो जाता है आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा 5 × -2/5 पावर में, 5 5 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 3/2 raised to -2 मिलेगा। और सिंप्लीफाई होगा, देखो जब 3/2 का पावर नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव पावर को अगर आपको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो ये इन्वर्स हो जाएगा, 3/2 है ना, तो आप उसे 2/3 लिख दोगे और पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 2 किया तो 4 आएगा, और 3 का पावर 2 किया तो आंसर आपको कितना आएगा, 9। तो इसका जो फाइनल आंसर है 243/32 होल रेस टू -2/5, इसका आंसर हमें 4/9 मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको, सॉल्यूशन मिलते जाएगा। नाउ सी देखो एग्जांपल 4 हमने लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 raised to 1/2 × 4 raised to 3/4, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो दिस इज इक्वल टू, हाँ सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, 2 raised to 1/2 को तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, एज इट इज़ रहेगा, जो 4 raised to 3/4 है उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं देखो ये जो 4 है ना, देखो ये जो 4 है तो 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये पूरे का पावर 3/4 एज इट इज़ रहेगा। हमने क्या किया,
यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट नंबर है 2, तो मैंने क्या किया 4 को जो 2 × 2 लिख दिया, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख दिया, सो दैट बेस सेम हो जाएगा, फिर सॉल्व करना इजी रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2^2 एज इट इज रहेगा, इंटू देखो यहाँ पे 2^2 पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, पता है आपको, सो 2 × देखो ये पावर 3/4 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2^2 और देखो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 2 1s are 2 2s are कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का पावर क्या बचा देखो यहाँ पर आपका 3/2 बचा, दिस इज इक्वल टू, अब देखो मल्टीप्लीकेशन है बट बेस सेम है, तो जब बेस सेम रहेगा तो कॉमन बेस लेते हैं और जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, यानी कि 1/2 + 3/2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2^2 2 और 2 कॉमन है यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सो दिस इज 2^4/2 2 होता है, 2 का पावर 2 किया तो आंसर आपको क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा, दैट मीन्स 2^1/2 × 4^3/4 का वैल्यू आएगा 4। तो ये सम देखो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपको देखो एग्जांपल 5 दिया है, एग्जांपल 5 है इफ़ a/b^(x+1) इज इक्वल टू b/a^(x-3) तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे गिवन थिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर देखो लिखा है a/b का पावर है x+1 और ये देखो b/a का जो पावर है वो x-3 है, थोड़ा सा अगर आप माइंड अप्लाई करोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पर बेस में a/b है और यहाँ पर बेस में b/a है, दोनों को हम सेम कर सकते हैं, या तो आप a/b को b/a में कन्वर्ट कर दो या फिर b/a को a/b में कन्वर्ट कर दो। ऐसा क्यों करेंगे, सो दैट बोथ साइड का जब बेस इक्वल हो जाएगा तो इंडेक्स भी इक्वल हो जाता है। हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे a/b है ना, तो मैं इसे b/a लिख दूंगा, तो a/b को जब आप b/a लिखोगे तो रूल ऑफ इंडाइसेस है पावर में जो भी टर्म रहेगा या जो भी नंबर रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो +x+1 है, दो टर्म है पावर में, दोनों का साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका -x और ये -1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इसे ऐसी रहने दो आप, b/a^(x-3)। अब अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बेस देखो b/a है, राइट हैंड साइड में बेस b/a है, तो जब बोथ साइड का बेस इक्वल होता है तो इंडेक्स भी इक्वल हो जाता है। आप ये रूल ध्यान में रखो, देखो सिंस अगर ये a^x इक्वल टू यहाँ पर a^y दिया है, बोथ साइड बेस इक्वल है तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा x=y मिल जाएगा, ये रूल आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो वही सेम थिंग करेंगे, b/a बेस इक्वल है बोथ साइड, तो ये इंडेक्स इक्वल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें -x-1 = x-3। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो -1 -3 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो देखो +3 हो जाएगा = यहाँ पर x है और ये -x को वहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो +x हो जाएगा आपका। -1 + 3 आपको पता है 2 होता है, x + x 2x होता है, तो x = 2/2 आंसर कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है देखो, क्वेश्चन क्या था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू हमें 1 मिला। जस्ट आपको रूल क्या ध्यान में रखना है, a/b है तो जब हम इसे चेंज करेंगे b/a करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। दूसरा रूल आपको क्या ध्यान में रखना है, इफ़ a^x = a^y है, दोनों साइड का बेस इक्वल है तो इंडेक्स भी इक्वल है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया b^x लिख दिया एंड दिस इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया a^y लिख दिया। एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखो, सपोज मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया है b^ मैंने यहाँ पे x लिखा है इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर a^x लिखा हुआ है। अब ये केस में क्या हो रहा है, ये केस में देखो बोथ साइड का जो पावर है वो सेम है, तो जब बोथ साइड का पावर सेम होगा तो ये बेस भी इक्वल होता है, यानी कि आप क्या लिख सकते हो यहाँ से b=a। तो रूल आप ध्यान में रखो, हाँ, इफ़ a^x = a^y देन x = y हो जाएगा, इफ़ b^x = a^x यानी कि पावर जब सेम है तो बेस इक्वल होगा, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, तो रूल आपको ध्यान में रखना है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर
हमने टॉपिक इंडाइसेस का जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है विथ एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इंडाइसेस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सो दैट आपको और बेटर वे में इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।